السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد لله رب العالمين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Welcome back बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ्स ऑफ दी सहाबा दहाबा र्ला और आज जो है इसका बायदा आगाज है क्योंकि हमारे तीन लेक्चर इस पर हो चुके और आज जो हमारा टॉपिक है एपिसोड वन अबू बकर सिद्दीक अबूबकर रदील्लाह दॉय फ्रेंड एक मिनट देगा अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह लॉयल फ्रेंड वफादार दोस्त बुझी इश्क की आग अंधेर है मुसलमान नहीं खाक का ढेर है शराब कोहन फिर पिला साकिया वही जाम गर्दिश में ला साकिया तड़पने फड़कने की तोफ़ी दे दिले मुर्तज़ा सोजे सदीक़ दे रदीअल्लाम आज का हमारा नवान अबू बकर है और बहुत दिनों से इसकी तैयारी और इसका इंतजार और इसका एहतमाम जो है वो चल रहा है और बहुत सालों से जो है वो बहुत सी बहनों की तरफ से दरख्वास थी बल्कि कहना चाहिए उनकी शदीद ख़्वाहिश थी कि सहाबा कराम रदी की सीरत पर जो है वो कोर्स का आगाज किया जाए और अलहमदुल्ल आपकी दुआओं और अल्लाह की खास तोफ़ी से आज कुदरत ने ये खूबसूरत दिन और ये चमकता सूरत जो है वो रोशन किया है कि आज हम इसका बाकायदा आगाज करने चल रहे हैं और माशाल्लाह जो है वो जैसे आप लोगों ने बहुत ही मोहब्बत के साथ बहुत ही एहतमाम के साथ बहुत ही शौक के साथ इसको वेलकम किया है और इस पर मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं और आप भी जितना शुक्र अदा करें उतना कम है तो पहली चीज जो है वो अल्लाह का शुक्राना वाजिब है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आज हम सीखने और सिखाने के लिए जो है इस खास जो हमारी ख्वाहिश थी उसके लिए बैठे हैं दूसरी चीज़ जो है वो कबूलियत की दुआ करना और कबूलियत के लिए जो है वो इखलास बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह इज़्ज़त मेरी और आपकी नीयत में इखलास पैदा करे या नफ्सी अखलिस तखलिस ए नफ्स इखलास इख्तियार कर ताकि तेरी खुलासी हो जाए और जब इखलास होता है ना थोड़ा अमल भी काफी हो जाता है तो ये जो सीरीज चलेगी और छह माह के लिए चलेगी घंटों महीनों दिनों में और आप मेहनत करेंगे तैयारी करेंगे सब कुछ करेंगे तो जरूरत इस बात की है अल्लाह की रजा के लिए और शुरू में ही मैं और आप अपने गोल्स तय करें कि ये सीरीज शुरू करने का मकसद पढ़ने पढ़ाने का मकसद क्या है साहब कराम रदीन की ज़िंदगी की सीरत जहाँ तक है या उनकी सवान हयात है सिर्फ वो बयान करना नहीं है मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं शुरू से लेके एंड तक क्या कैसे किस तरह छोटे बड़े सारी जैसे तारीख बयान करना या सीरत बयान करना तफसील से मेरा ये मकसद नहीं है बल्कि इस सीरीज का मकसद जो है वो साहब कराम रदी की जिंदगी की रोशनी में अपना जायजा लेना है अपना मुहासबा करना है अपने लिए अमल की राहें तलाश करनी है कि वो पर अल्ला पर, अल्ला, अ, कुरान पर और अल्लाह पर अल्लाह कुरान पर अल्लाह इज़्ज़त पर बिलाविट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे ईमान लाए और कैसे उनके अंदर अ, जो है वो तब्दीली हुई कैसे उन्होंने अपने अंदर अ, अपने आप को चेंज किया वो भी मेरी और आपकी तरह इंसान थे बशर थे और मक्का की सोसाइटी में वो जी रहे थे और मक्का के हालात जो कि कबूल इस्लाम से पहले के हैं बेसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के हम सब के सामने हैं तो आखिर उनके किरदार में वो क्या चीज़ थी क्या चीज़ थी कि दुनिया में उन्हें जन्नत की बशारत मिली अल्लाह की रज़ा की जमानत मिली फिरदौस उनका इंतज़ार कर रही है सुबहानल्ला और कैसे उन्होंने अपने आप को अंदर और बाहर से तब्दील किया मेरे और आपके पास भी आज बहुत से मसाइल हैं चैलेंजेस हैं मुश्किल हैं डिप्रेशन है गम है दुख है तकलीफ है उनके पास भी बहुत कुछ था बहुत गम दुख तकलीफ और फिर जो है वो कैसे उन्होंने आहलन वसालन मरहबा कहा इस्लाम को कितनी मोहब्बतों के साथ कितनी खुशियों के साथ कितनी जो है वो यक रंगी के साथ दो रंगी के साथ नहीं यक रंगी के साथ तो बहरहाल आज जो है अपना अपने एन, अपना गोल के मुझे इस कोर्स से क्या हासिल करना है आप जरूर नोट करें जरूर लिखें ये बात तो नियत में इखलास कबूलियत की दुआ के साथ कि मैं चाहती क्या हूं या हम इसे क्या सीखेंगे और मैं भी नोट कर रही हूं आप भी नोट करें फिर एक और अहम बात के मैं मैं भी ए, हसीत एक तालबिल के हूँ इस कोर्स में और आप भी बहसीत एक, एक तालबिल के हैं तो जो तालबिल होता है वो बहुत चुकन्ना होता है बहुत मोहतात होता है बहुत मेहनती होता है और वो हिरजे जहा बनाता है यानी एक शौक एक शौक होना चाहिए सीखने का बस ये नहीं कि आपने ऑन कर लिया फेसबुक को और यूट्यूब को और फिर आप किचन में हैं और फिर आप किसी फोन पर हैं इधर बातें उधर बातें इधर ग्रोसरी खाना चीजें यानी पूरे एहतमाम के साथ पूरे इनहमा के साथ पूरी तवज्जो के साथ हमने वो खुशकिस्मत हस्तियों के बारे में मुबारक हस्तियों के बारे में जानना है कि रदी अल्ला जिनके ईमान की गवाही कुरान ने दी जिनके किरदार की अजीमत की इसकामत की गवाही कुरान ने दी जिनका दौर गोल्डन एरा ऑफ इस्लाम बन गया ताकि मुझे और आपको भी जीने का सलीका आए ताकि मुझे और आपको भी अपने बच्चों की तरबियत करनी आए मुझे और आपको भी पता चले कि मुझे और आपको दुनिया में रहते हुए आखरत के लिए जीना कैसे और उसकी तैयारी कैसे करनी तो नोट्स लेने की जरूर कोशिश करें जो भी आप ले सकते हैं जितना भी ले सकते हैं तो और ये कि संजीदगी बहुत जरूरी है संजीदगी खामोशी तोज्जो और आइए हम आगाज करते हैं अबू बकर अगर उनके फजाइल और मनाक़ बयान किए जाए तो कुरान में कई आयात हैं बिलविड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत से अकवाल हैं जो वक्त के साथ साथ आएंगे और इसके साथ साथ, साथ कराम रदीअल्ला ने उनको बहुत खराज तहसीन पेश किया हज़रत अली रदीअल्ला पर कहा काना अबू बकर सबाक़न ले कुल खैर ही इज द फर्स्ट टू एवरी गुड कितनी खूबसूरत तारीफ की उन्होंने हर नेकी के काम के लिए जो थे वो क्या थे सबाक, सबक़त ले जाने वाले आगे दौड़कर आगे बढ़ जाने वाले हजरत उमर रضي अल्लाह ने एक मौके पर कहा वल्लाह ला असबिकहू इला शैइन अबदा आई विल नेवर बी एबल टू बीट हिम समथिंग कि मैं कभी भी अबू बकर सिद्दीक से आगे नहीं निकल सकता के मौके पर। तो हकीकत क्या के नाम से जो है वो याद करता है अबू बकर तो अबू बकर का रदी का नाम क्या था आप में से पता है किसी को उनका नाम क्या था और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग साथ साथ जैसे अगर पार्टिसिपेट करें आप लोग लिखें और सोचें जायजा लें अंदाजा करें कि हमें कितना पता था पहले कितना पता था ठीक है इनका नाम क्या था अबूबकर रदी रदील्लान्हों का नाम जो था वो अब्दुल्ला था आ, बिल्कुल सही उनका नाम अब्दुल्ला था और लेकिन अब्दुल्ला से पहले क्या था यानी उनके वालदेन ने जो उनका नाम रखा वो क्या था तो उनका नाम जो है वो अब्दुल काबा रखा था उनके वालदेन ने अब्दुल काबा रखा ज़माने जाहलीत में जब वो पैदा हुए तो इनकी वालिदा मोहतरमा जिनका नाम जो था सलमा बिन सखर बिन आमिर था वो इन्हें जो है वो खाना काबा उठा कर लेकर गई इनकी पैदाइश पर और काबा की खिदमत के लिए इन्हें वक्फ किया और कहा कि ये बच्चा जो है ये एहला तू इस बच्चे को मौत के पंजे से मौत के मुंह से बचा दे इसे मौत से आजाद कर दे और कहा कि तू इसे मुझे दे दे तो वहां मतलब इसका नाम जैसे काबा की खिदमत के लिए मुकर्रर चूंकि किया तो जो है वो इनका नाम क्या था अब्दुल काबा काबा का गुलाम की खिदमत के लिए इनको वक्फ कर दिया तो अब्दुल्ला बिन अबी कोहाफा तो कोहाफा जो है ये इनके वालिद मोहतरम थे तो हजरत जो है इनका नाम क्या था कुछाफा। कुछाफा जो है ये इनकी जैसे कुनियत थी लेकिन इनका जो असल नाम था वो उस्मान था इनके वालद मोहतरम का असल नाम क्या था उस्मान तो अब्दुल्ला बिन अभी कुहाफा यानी जिनका नाम था जैसे यूं कहना चाहिए कि बिन उस्मान बिन आमिर बिन आमिर अमर अल कुरशी तैमी तो कुरैश से ताल्लुक रखते थे और जो है कबीला तैम से कबीला तैम जो है एक होता है ट्राइब एक होता है सब ट्राइब तो ये कुरैश का एक छोटा सा कबीला था बहुत बड़ा नहीं था लेकिन बहुत नोबल था बहुत मुज्जस कबीला था बहुत अच्छा कबीला था जिससे हजरत अबू बकर सिद्दीक अः अबूबकर जो थे वो ताल्लुक रखते थे तो जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम जो था वो काबा से बदलकर अब्दुल्ला रख दिया कि काबा का गुलाम नहीं बल्कि जो है वो अल्लाह का गुलाम जैसे अह अरब में ये रवाज था अब्दुल उज्जा, उज्जा उनका एक बुद्ध था उसका गुलाम तो किसी भी चीज़ का इस तरह वो गुलाम कहते थे अच्छा अल्लाह नो के कई नाम हैं वो अपनी जो है उनको कई खिताबात सरनेम दिए गए जिससे वो मशहूर हुए कुछ उनकी कुनीयत या इस तरह तो इसकी क्या वजह थी जैसे जब किसी के बहुत से नाम होते हैं ना उससे उसकी शख्सियत का पता चलता है उसकी अजमत का पता चलता है कि वो शख्स कितना काबिल है वो शख्स का किरदार कितना खूबसूरत है कितना ब्राइट है उसकी आदतें और खसलतें कितनी उम्दा हैं कितनी बेहतरीन है कि उसके इतने नाम तो इनके कई नाम थे जिनमें से उनका एक मशहूर जो लकब है वो अतीक है आयता या खफ अतीक और इसके एक मानी है हसी होना खूबसूरत जमाल व इताकहू दूसरे इसके मानी है अच्छे कामों में सबकत ले जाना तो जमाने जाहलीत में भी जो इनकी आदतें थी इनका जो तो, तौर तरीके थे अंदाज थे ये बहुत अच्छे थे तो इनका आ, मक्का की सोसाइटी के अंदर बड़ा नाम था बहुत ही इज्जत की नजर से देखे जाते थे मोजज थे ये तो अच्छे कामों में सबकत ले जाने की वजह से जो है वो इन्हें अतीक कहा जा गया और एक राय ये है कि इनके नसब में कोई ऐब नहीं था तो अतीक जो है ऐसे ऐसे लोगों को टाइटल देते हैं कि जिनके नसब में कोई ऐब ना हो नसब का बेअब होना और इसकी वजह क्या थी कि आपको पता ही है कि वहां पे लोगों को पता ही नहीं होता था कि उसका बाप कौन है क्योंकि जमाना जहलीत और हलाल हराम की तमीज नहीं थी है ना तो पता नहीं होता था कि नसब क्या है और एक राय यह है कि जो जब ये पैदा हुए तो इनकी इनके वालदेन के यहाँ कोई औलाद बचती नहीं थी जिंदा नहीं रहती थी फौत हो तो जाते थे तो जब ये पैदा हुए तो वालिदा मोहतरमा जो हैं इन्हें खाना काबा लेकर गईं और अल्लाह ताला से कहा कि मैंने आपकी खिदमत के लिए इसको वक्फ कर दिया और जो है इसको मौत के पंजे से जो है ना आजाद कर दे और जब ये जिंदा रहे ठीक रहे तो कहा कि अब आप इसे मुझे दे दे मुझे मुझे दे दे यानी मौत से भी आजाद और फिर अपनी खिदमत से आजाद यानी मुझे दे दे और इसलिए इनको जो है वो अतीक कहा जाता है कि मौत के मुंह से आजाद ये क्योंकि कहते हैं कि इनके एक और भाई जब पैदा हुए तो उनका नाम जो है इनकी वालदा ने जो है मोतक रखा मोतक भी अतीक से ही है एक और भाई पैदा हुआ तो उसका नाम जो है उतैक रखा आनता या का तस्हीर नहीं होती जैसे हुसैन उतैक तो इस तरह लेकिन ये जो मोतक और उतैक थे ये बचपन में ही फौत हो गए तो हमें ए, हिस्ट्री में इनके भाइयों का नाम नहीं मिलता यूं समझें कि अकेले थे अकेला इनका इनके बारे में पता चलता है तो बहुत ही लाडली सी औलाद थी और वालदे ने इनकी तालीम और तरबियत पर बहुत खास जो है वो तवज्जो जो है वो दी क्योंकि इनकी वालदा के मिस होते जाते थे औलाद बचती नहीं थी तो ये खास बात है इनके बारे में तो यानी इनका अतीक नाम क्यों दिया गया यानी इनके हुसन की वजह से इनका नसब बेअब है इस वजह से ये मौत के पंजे से बच गए यानी अल्लाह ताला ने इनको जिंदगी दे दी इस वजह से इनकी वालदा ने इनको अपनी खिदमत से छोड़कर खाना काबा की खिदमत के लिए वक्त किया तो तब भी इस वजह से और एक हमें और वाक्य मिलता है इसे तिरमी ने रवायत की है कि हजरत आयशा सदी रदी कहती हैं किन्ना अबा बकर दखलामी सल बैठे हुए थे ऐसे और इतने में ना अबू बकरी तो सल्लम ने फरमाया मिनन्नारो हैं वो जहनुम की आग से आजाद हैं यौमा उस दिन से अबू बकर सिदीक रदी अला का नाम जो है वो अतीक रख दिया गया देखिए कितनी खूबसूरत बात है नहन्नुम की आग इन पर हराम है उससे आजाद है तो इसलिए एक और मौके पर मिलता है ये अल्फ़ाज़ भी मिलते हैं कि मनसर्राहुंारी फल अगर कोई देखना चाहता है ना किसी ऐसे शख्स को जिसको जहन्नम की आग से आज़ाद कर दिया गया तो उसको चाहिए कि फिर अबू बकर को दे अबू बकर को झलों की आग नहीं छुएगी तो ये हो गया इनका एक नाम अतीक अच्छा दूसरा यानी अगर हम देखें तो इनका जो बहुत मशहूर नाम है जो जिससे हम सब याद करते हैं वो है अबू बकर और बहुत से लोग अबू बकर नाम भी रखते हैं अबू बकर है ना तो अबू बकर जो है आ, ऐसा नहीं था कि अबू बकर इनकी ये, ये जो थी ऐसा नहीं था कि इनकी ये कोई औलाद थी तो उस वजह से अबू बकर है इनकी औलाद में बकर नाम का कोई नहीं मिलता तो ये नाम रखा गया तो इस सिलसिले में कहते हैं कि अहले अरब जो थे यंग कैमल को बकर कहते थे और अबू बकर जो थे ऊंटों की परवरिश में उनका इलाज करने में और ऊंटों के बारे में बहुत माहिर थे उनका बहुत निगहदाश्त और ख्याल रखने वाले उनका इलाज मुआलजा करने में बहुत दिलचस्पी और महारत रखने वाले थे जैसे हमारे यहाँ आजकल गाड़ियां जैसे बात जैसे बच्चों को लड़कों को गाड़ियों का बहुत शौक होता है आप गाड़ी में बैठे होते हैं बच्चे कह रहे हैं पता देखते हैं मामा आप साथ वाले रोड पे जो गाड़ी जा रही है कौन सी गाड़ी है आप कहते हैं मुझे तो कुछ पता नहीं कहते हैं, मामा ये वाली है एक बेटा कहते हैं मुझे जब मैं बड़ा हो गया ना मैंने ये गाड़ी लेनी है दूसरा कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो ये गाड़ी लेनी है ना तो जैसे गाड़ियां जो है तो अरबों के यहाँ ऊंट कैमल ये जो चीज थी, थी जैसे इनके लिए बहुत लग्जरी चीज थी इसी पर इनकी जो थी वो मुआज भी चलता था और इसी को ये आगे जो थे वो बढ़ाते भी थे तो सिद्दीक जो थे वो उंठों से बहुत दिलचस्पी और महारत रखते थे और कहते हैं कि इसलिए अबू अबूबकर रदी अल्लाना को ऊठो का बाप या ऊटों का माहिर ऊठो में बहुत दिलचस्पी रखने वाला कहा जाने लगा यानी इनकी ऊँटों की वज़... से दिलचस्पी की वजह से तो इनके कहते हैं कि बाप ने एक राय यह है कि इनके वालिद ने इनको ये नाम दिया अहले अरब ने उनको ये नाम दे दिया तो ये है अबू बकर जैसे अबू हुरैरा रदी हो बिलियों से उनकी जो दिलचस्पी थी तो इसलिए उनको अबू हुरैरा रदील्ला कहना शुरू कर दिया गया अच्छा दूसरी राय यह है इन नहू बकर तो बकरा के मानी होते हैं पेश पेश होना बकरा के मानी होते हैं पेश कदमी करना आगे बढ़ना तो इन इल इस्लाम के इस्लाम को कबूल करने में जो इन्होंने पेश कदमी इख्तियार की इस वजह से इनका नाम जो है वो बकर पड़ा जैसे इस्लाम जो था इन्होंने सबसे पहले जो है वो बालग मर्दों में जब कबूल किया तो इन नहु तो बकर तो अबू बकर तो तोश्शरी रहमत लिया कहते हैं कि इनकी पाकिजा जो खसलतें थी इनकी आदतें जो थीं बहुत अच्छी थी बहुत नोबल थे ये बहुत काइंड थे सॉफ्ट थे अः अखलाक बहुत अच्छा था किसी को बुरा भला नहीं कहते थे मिलजुल कर मोहब्बत से लोगों से रहते थे तो इनकी उमदा खसलतों की वजह से इनको जो है वो इब्तार यानी अबू बकर का नाम जो आ, है वो दिया गया तो ये थे अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ऑलवेज फर्स्ट टू डू गुड अच्छी चीज करने में जो है वो बेस्ट थे अच्छा फिर हमें इनका एक और टाइटल भी पता चलता है वो है अल अतका अल अतका ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये टाइटल दिया वसयुजन्नबुहल अतका जमहूर मुफसरीन कहते हैं कि सूरत की 17 अल की आयत में सेलका का जो टाइटल है ये जो है अबू बकर सदीक रदी अल्लाह अनहो के लिए है उनको दिया गया है कि वो मुतकी है अलअ तकवा वाले और अल सुपर सुपरलेटिव डिग्री है सबसे ज्यादा डरने वाले सबसे ज्यादा दिल में अल्लाह का खौफ रखने वाले बहुत ही खूबसूरत आप सोचें कि क्या कैसा किरदार था और कैसा किरदार है उनका कितने नाम हैं उनके ना जमाना जाहलीत में भी हैं तो अच्छे अच्छे और इस्लाम कबूल करने के बाद भी फिर इनका एक नाम जो कि इस्लाम कबूल करने के बाद बहुत मशहूर हुआ सिद्दीक सिद्दीक वाक की फौरन तस्दीक पर ट्रूथफुल और जो है वो जैसे सिद्दीक कौन है सिद्दीक जो है इसकी उल्मा ने बहुत सी तफसीर बयान की है इसकी उमा ने बहुत सी तारीफ बयान की है आप भी इसको और देखिएगा कि सिद्दीक किसे कहते हैं क्योंकि मैं आज का जब लेक्चर कितने दिनों से सोच रही थी और तैयार कर रही थी तो अः इतनी डिटेल है इतनी डिटेल है कि मैं सोच रही थी कि बहुत मुख्तर भी अगर अबू के बारे में बताऊंगी ना तो कम अज कम तीन लेक्चर होंगे कम अज कम मोटा मोटा जैसे शेरिया को लेते हुए हम चलेंगे तो फिर भी तीन हमारे लेक्चर इनके ऊपर होंगे तो अबू वकीदीक रदील्ला तो सिद्दीक जो है इस रिश्ते में सूरत की आइन जो है इसमें का जिक्र है जैसे हम सूरत फातिम पढ़ते हैं

तीसरे कौन है व और चौथे कौन है वालीन तो मुफसरीन कहते हैं कि जो सिद्दीकीन हैं ये नबी और शहदा के दरमियान में अल्लाह ने इसका जिक्र किया है तो इनका रुतबा और मकाम जो है वो नबियों के बाद और शहदा के दरमियान में जो है वो आता है तो सिद्दीक शहीद भी हो सकता है शहीद सिद्दीक भी हो सकता है तो सिद्दीक असल में कहते हैं उसको कि जो दिल के अंदर है ना जिस पर दिल गवाही देता है जबान जो कहती है, अमल उसकी सदाकत जो है ना उसको बयान करता है और अबू वकी रदी के बारे में आता है कि इनका किरदार जो था वो ऐसा ही था अबू हुररा रदीलाना रवायत करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो इसरावल मीराज पर थे और उन्होंने उस रात हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा इन्ना कौमी ला युसद्दिकूननी मेरी कौम मेरी तस्दीक नहीं करेगी कभी भी तस्दीक नहीं करेगी कि मैं रातों रात जो है मैंने इसरावल मीराज कर ली ला युसद्दिकूननी فقال له جبريل तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा युसद्दिकुका अबू बकर आपकी तस्दीक अबू बकर करेंगे वाहू बाहू सिद्दीक वह सिद्दीक है तो ज़िब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको ये टाइटल दिया सिद्दीक का और ज़िब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये बात बताई थी कि अबू बकर सिद्दीक बकरी जो है वो इसकी तस्दीक करेंगे तो इसी तरह हम जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे अबू बकर जो है जब अहले मक्का ने ये बात कही के तुम्हारा दोस्त और साथी तो अब ये भी कहता है तो के रातों रात जो है वो इसरा मराज का जो वाक तो आपने कहा कि मैं तो उसकी भी तस्दीक करता हूँ जो सुबह शाम खबरें आती हैं मैं तो हर चीज की तस्दीक करता हूँ तो आप सिद्दीक के लकब से मशहूर हुए और आपकी तस्दीक का स्टाइल क्या था जैसे मैं और आप भी बाजुकात बच्चों को कोई को काम कहते हैं कि बेटा स्काफ सर पे लिया करो या बेटा नमाज पढ़ा करो या बेटा बड़ों के साथ ऐसे किया करो तो बच्चे का हमारी बात उस तरह से सुनते नहीं है, है ना या मैं और आप भी दीन पर अमल करते हैं लेकिन का फौरन नहीं करते या ये कि हेजिटेशन होती है या ये कि आर्गूमेंट होता है तो हम कोई काम करते हैं लेकिन आर्गूमेंट हेजिटेशन और बाजूका जो है वो सोचते हैं देर करते हैं इंतजार करते हैं

सदादा अब वकील यानी हजरत दो सहाबियों ने इसको रवायत किया है एक हजरत कतादा रदी अल्लाह और दूसरे हजरत अंस रदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन ओहद पहाड़ के ऊपर चढ़े सायदा सऊद बुलंदी के लिए आते है ना उसके ऊपर चढ़े और उनके साथ कौन था वह अबू बकर व उमर व उस्मान फरजफा बेहिम वो जो ओहद पहाड़ था ना ये चार लोग थे और पहाड़ हिलने लगा रोजाफा रोजाफा का मतलब हिलना हरकत करना फल मोहम्मद वसल्लम ने कहा उस बुत ओहत ओहद पहाड़ थम जा रुक जा और अबू हुरैरा हुरर रद्दी कहते हैं कि मेरा यह ख्याल है कि आपने अपना पांव जो था ना ओहद पहाड़ पर मारा और कहा रुक जा हिलमत क्यों इन्ना मा अलैका नबीयू सिद्दीकू व इस वक्त तुम्हारे ऊपर एक नबी एक सिद्दीक और दो शहीद हैं तो नबी कौन थे नबी कौन थे मोहम्मद वसल्लम सिद्दीक कौन थे सिद्दीक बकरी रदील्ला और शहीदान दो शहीद कौन थे एक थे हज़रत उम्र फारूक रदीन जिनको आपको पता है कि नमाज के दौरान जो है वो जख्मी किया गया था और फिर शहीद और दूसरे कौन थे थेरतमाननी रदील्ला जिनको शहादत बाद में मिली तो ज़ाहिर है कि वही के ज़रिए आपको बता दिया गया था कि इनके साथ ये वाकयात पेश आएंगे तो उस वक्त भी आपने सदीक सिद्दीक का जिक्र किया तो सिद्दीक कौन थे अब वक़्त सदीक ऱी अन और हमें सूरत की आयत थर्टी टू भी मिलती है उल्मा कहते हैं कि इस आयत में भी जो है वो ये जो जिसने की सदाकत की तस्दीक की और यही लोग मुतकी हैं तो इनमें अब सिद्दीक रदी अल्लाह का नाम जो है वो सरे फेर सदाकत अच्छा फिर इनका एक नाम अब्वाह भी था अबाह आहें भरने वाला नरमी सॉफ्ट हार्ट रखने वाला और कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन कहा या अबाबकर बहु फिल्ला। के बिलाल को बिलाल हफ़े रदीलाना को अहले मक्का जो है वो अजाब देते हैं अजियत देते हैं तंग करते हैं मारते हैं पीटते हैं तो वक्र सिदीक रदील्लाना से ये जो गुलाम थे और इनकी हालत जो थी वो जुलमों से तम की देखी नहीं जाती थी आहे भरते थे रोते थे बहुत नरम दिल था आपका तो कहते हैं कि इनका नाम जो है वो, अवाह। वो फिर उन्होंने आजाद भी करवाया इनशाला आगे हम अभी देखेंगे तो ये थे अबूबके सिद्दीक रदील्लान्हो जिनका हमने देखा कि नाम क्या था तो नाम का बहुत ही जो है वो मुख्तिर सा अहम सा तारफ जो है वो मेरे और आपके सामने आया कि अबू बकर सिद्दीक रदिया जिनका नाम था आ, अब्दुल्ला अब्दुल्ला यानी अब्दुल्ला बिन अबी कुहाफा या यूं कहें कि अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमिर बिन अमर अल्कुशी अहमी और अगर इतना भी याद हो जाए कि अब्दुल्ला बिन उस्मान और अबू कुहाफा उनकी कुनियत थी और कुहाफा काफ़ जो है कैंची वाला और उस पर दम्मा पड़ेंगे। कहाफा नहीं पड़ेंगे और तैमी कबीला तैम से ताल्लुक रखते थे करशी कुरैशी थे तो और इनका जो नसब है ये जाकर मोहम्मद वसल्लम से मिलता है आठवीं पुश्त में जाकर आठवीं पुश्त में जाकर मोहम्मद वसल्लम से शजरा नसब जो है वो इनका मिलता है और इनकी इनके वालिद के बारे में तो आपको पता हमें चली गया कि अबू कहाफा उनकी कुनियत थी नाम उनका उस्मान था और उन्होंने इस्लाम फौरन कबूल नहीं किया और इन्होंने फतह मक्का के मौके पे इस्लाम कबूल किया मुखालफत करने वालों में से थे लेकिन बहुत सख्त मुखालफत नहीं लेकिन मुखालिफ रहे और फतह मक्का के मौके पे इस्लाम कबूल किया इनकी वालदा जो थी सलमा बिन सखर बिन आमिर ये जो इनके वाल दोनों आपस में जात थे तो जो इनके वालिद उस्मान थे ए, उनके, हो, तो उनकी चचा थे सखर सखर चचा की ये बेटी थी सलमा जो कि उमुल खैर के टा, टाइटल से ये मशहूर हुई और इन्होंने जब अभी इस्लाम दार अरकम के अंदर था ना तभी इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो शुरू में जो लोगों ने इस्लाम कबूल किया इनमें हजरत उम्मू खैर हजरत सलमा का नाम भी मिलता है कहते हैं कि गोया के अंदाजन इनका नंबर थर्टी नाइन था इस्लाम कबूल करने वालों में अच्छा अब यहाँ पर जो है कि अबीक रदी जो है पैदा जो है वो कब हुए बताइए कौन बड़ा था अबू बकर बड़े थे या मोहम्मद वसल्लम बड़े थे कौन बड़ा था हुँ? मोहम्मद वसल्लम जो थे वो बड़े थे और अबू सिद्दीक उनसे तकरीबन दो अढ़ाई साल जो थे वो छोटे थे और आमुलफी से अढ़ाई साल बाद तकरीबा अढ़ाई साल बाद जो हैं वो अबू वक़िर सदीक रदी जो हैं वो पैदा हुए फाइव सेवेंटी टू तकरीबन कहते हैं कि ये बनता था और मज्ज़ शहरी थे खुशहाल घराना था और आ, मक्का के उन दस सरदारों में ये शामिल होते थे जो इस्लाम कबूल करने से पहले भी और बाद में भी मक्का में लोग उनको सरदार की हैसियत से मानते थे मुझे अबू बकर सिद्दीक रदी का ये तारुफ जो है ये बहुत ही अच्छा लगा कि उन दस लोगों में इनका शुमार था जो कि इस्लाम कबूल करने से पहले भी और बाद में भी अहले मक्का उनको जो थे वो लीडर शुमार करते थे लीडर बाज आप घर में बहुत प्रधान मंत्री होते हैं या अपने दोस्तों के हलके में बड़ी वो होती है और असल लीडरशिप वो होती है हर जगह आम सोसाइटी में भी सोसाइटी उनको जो है वो कबूल करती है मान तो दिए उन दस खुशकिस्मत लोगों में से थे अब हम ये देखते हैं कि सिद्दीक रदी सदीक अन्हु की फैमिली क्या थी बहुत मुख्तर इनकी चार इन्होंने शादियां की जिनमें से टोटल छः इनकी औलाद थी तीन बेटे और तीन बेटियां बहुत आसान है याद रखना तीन बेटे तीन बेटियां पहली शादी जो थी ये इन्होंने इस्लाम से पहले ही उसको तलाक दे दी थी अपनी बीवी को यानी अभी इस्लाम कबूल भी नहीं किया था उससे पहले उन उस, उस बीवी का नाम था कोतैला कतल नहीं जैसे लिखते उसी से कोतैला बिंत अब्दुल उज्जा बीवी का नाम था और इससे इनके दो बच्चे पैदा हुए हजरत असमा और दूसरा हजरत असमा का नाम तो बहुत मशहूर है ना असमा बिन तबी बकर और दूसरा नाम था बेटे का अब्दुल्ला तो इनसे दो बच्चे पैदा हुए और वालदा को तलाक और आपने वो हजरत असमा रदीलाना की हिस्ट्री में भी पढ़ा कि इनकी वालदा इनसे मिलने के लिए एक दफा आई ना मुस्लिम गैर मुस्लिम थी तो कहा कि मैं अपनी माँ से उसने सलूक करूं वगैरह ना तो ये तलाक दे चुके थे दूसरा जो है इनकी बीवी का नाम था रुमान म रुमान जो थी इनसे अल्लाह रबुलजत ने इनको दो औलादे दी आयशा सदी रदी अलाहो हज़रत आयशा आयशादी रदी अल्लाह और अब्दुलरहमान अब्दुलरहमान हजरत आयशा के जो थे यानी जो भाई थे माँ और बाप दोनों की तरफ से तीसरी बीवी जो थी असमा बिन उमैस ये बहुत मशहूर हुई तारीख में और जाफिर बिन अभी अब, जाफिर बिन अबू तालिब की ये बीवी थी हज़र जाफिर जो थे नबी अलैहि सल्लाम के चचाजाद ये जंग मोता के मौके पर ये जब शहीद हो गए तो इनकी बीवी जो थी जायरा बेवा हो गई तो हजरत असमा बिन उमैस से बाद में अब वकीर सदी उन्होंने जो है वो निकाह कर लिया और जब निकाह किया तो अल्लाह रबत ने इनको इनसे बेटा मुहमद दिया उसका नाम आपने मोहम्मद रखा और ये मोहम्मद जो है ये हजतुलदा के मौके पर पैदा हुआ उस वक्त हजरत असमा बिनैस जो थी जुलहलीफा ये जो मिकात है ना जुलहलीफा हलीफा उस जगह पे थी और बच्चा पैदा हुआ और हजरत वकीर सदीक रदी हजतुलिदा में फिर शिरकत भी ना कर सके हालांकि पहला जो हज था उसमें आपको लीडर बनाकर सिपा सिलार उसका क़ायद बनाकर भेजा था लेकिन फिर आप शिरकत ना कर सके और ये जो हज के बहुत से अहकाम पता चलते हैं ना प्रेगनेंसी और उसमें वो बच्चा पैदा होना और हम ब्लड का आना तो ये सब तो ये हजरत असमा बिन का नाम इस तरह बहुत सी फिका इनसे फिर हमें इस तरह मिलती है और यानी पहले जाफिर बिन तैयार की ये बीवी बाद में ये अबू बकरा की जब अबू बकरा फौत हो जाते हैं तो फिर इसके बाद जो है हजरत अली रदी ने इनसे निकाह किया और इनका ये जो बेटा मोहम्मद पैदा हुआ था छोटा ही था जब सिद्दीक जबीर से फौत हो जाते हैं तो फिर हजरत अली रदीअल्ला ने मोहम्मद की परवरिश की है हजरत अली रदीअल्ला ने क्योंकि हजरत असमा बिन तुमस जो थी वो उस बिरे को लेके फिर उनके पास चली गई खैर असमा बिन तुमस चौथा चौथी इनकी ये तीनों जो बीवियां थी ये मक्का से इनका ताल्लुक था और तीनों कुरैश से ताल्लुक रखती थी चौथी जो थी ये थी इनका नाम था हबीबा बिन तारिजा ये अंसार से थी और इनसे अल्लाह इज़्ज़त अब ने अबू बकरा को एक बेटी दी और उसका बेटी का जो नाम था वो था उम्मे कुलसूम तो इस तरह तीन बेटे और तीन बेटियां तो बच्चों के क्या नाम हमारे सामने आए जो बेटियां हैं हजरत असमा हजरत आयशा, यशा सिद्दीक रदील्लाना और हजरत उम्मे कुलसूम रदी अनहुन्ना तो ये तीन बेटियां और बेटों के क्या नाम सामने आए हमारे अब्दुल्ला अब्दुलरमान और फिर मोहम्मद तीन नाम आए तो ये है इनका जो है फैमिली का मुख्तिर सा तारफ क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो फिर जिक्र होगा तो इसलिए अच्छा बाकी ये कि जो थे अबू बकर लगते कैसे थे इनका मुनासिब कद था सफेद रंग था और इनकी जो आ, जो थी वो आंखें रोशन थी अंदर को बाज लोग कहते हैं कि धंसी भी रोशन आंखें कुशादा पेशानी थी और दाढ़ी पर ये जो थे ये मेहंदी का खसाब या उसका रंग जो थे वो लगाते थे तो ये बहुत ही छोटा सा मैंने जिक्र किया कि कैसे थे और इनकी एक ख़ास बात कि इनकी चार इन चार जनरेशन जो है ना जो उनको सहाबी का दर्जा मिला इनके वालिद यानी इनके वालदेन फिर खुद अबू बकर अल्लाह अन्हो फिर उसके बाद जो है वो अब्दुलरहमान बिन अबूबकर अल्लाह अन्हो और फिर उनके बाद मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान तो कबीर और सीरत में ये बात है कि वाहिद ये वो सहाबी हैं कि फोर्थ जनरेशन में सहबियत गई है और इनकी जैसे बाकी जितने भी सहाबी हैं ना किसी के अकेले उन्होंने इस्लाम कबूल किया किसी के वालिद ने किया किसी की वालदा ने किसी के बच्चों ने किया नहीं किया सब ये वो है जिनकी सारी फैमिली ने इस्लाम जो है वो कबूल किया ये वो खुशकिस्मत जो है वो सहाबी हैं अच्छा अब मजीद ये कि जो है वो इस्लाम कबूल करने से पहले आ, और इनका क्या मकाम था तो अशनाक अशनाक का मनसब इनके कबीले को मिला हुआ था अशनाक अलिफ शीन नून अलिफ काफ़ कैंची वाला अशनाक ये कहते हैं दियत का निजाम जैसे अगर कोई कत्ल हो जाता था तो खून बहा का फैसला आप करते थे आपका कबीला करता था और आपके कबीले की तरफ से ये अबू बकर अशनाक का मनसब मिला हुआ था तो जितनी भी खून बहा की रकम थी ना वो आपके पास जमा होती थी आपकी मानत दयानत आपकी राय आपकी मामला फहमी तो ये मुश्किल एक तरह से मनसब था अहम मनसब था लेकिन आपके ख़ानदान के पास था कबीला बनू तैम के पास और कबीला तैम ने आपको जो था वो दिया हुआ था तो ये, ये तो आप खून बहा का फैसला किया करते थे और रकम भी आपके पास जमा होती थी सोचिए कितनी बड़ी बात है ना उस जमाने में अच्छा फिर ये कुरैश के उन लोगों में से थे जो कि लिखना पढ़ना जानते थे मोस्ट मोस्ट नॉलेज मोस नॉलेजेबल पर्सन थे क्योंकि कम लोग थे जो जानते थे अठारह सत्रह जो भी तो उनमें से अब सिद्दीक दिया और उन्होंने खुद ही लिखना पढ़ना सीख लिया था ताजिर थे तिजारत के लिए जाते थे लोगों से मिलते थे कसिरुल मुलाकात थे कसरुल अहबाब बहुत से इनकी दोस्तियाँ थी तो इन जहीन थे लायक थे जल्दी सीख जाते थे तो इनको लिखना पढ़ना भी आता था अच्छा इनकी एक और बहुत खास जो खूबी है वो ये थी कि ये इल्मलानसाब जानते थे इलम जो है वो क्या है कि ही नोज एनसेस्टर्स और आप इसे यू भी कह सकते हैं कि ये जीनियोलॉजी जीनियोलॉजी उसको जानते थे यानी साइंसेस ऑफ़ जीनियोलॉजी जानते थे जनरेशन या नसब या खानदान अरब के जो नसब थी ना अरब के खानदानों की नसब सिर्फ अपने की नहीं जैसे हिस्टोरियन किसी को कह दे तो अखबार अरब अरब की खबरें अरब के अनसाब ये इनको जानते थे और बहुत से लोगों के इसमें ये उस्ताद थे जैसे जुबैर बिन मोतम अपने जमाने में अरब के बहुत बड़े नसाब में उनका भी शुमार होता है और इसी तरह जो है वो हमें एक और नाम मिलता है कि जिन्होंने जो है वो ये वाला इल्म सीखा अकील बिन अबू तालिब अकील बिन अबू तालिब जो है उन्होंने भी ये इल्म सीखा कहते हैं कि मेरे उस्ताद अबू वकीर सदीक रदी तो जुबैर बिन मोतम रदी और अकील बिन अबी तालिब कहते हैं कि हमने अरब के जो अरब का जो इल्म है और पीछे का हिस्ट्री सारी तो हमने ये अबू बकर से सीखा और अरब के सबसे ज्यादा जो माहिर थे आलिम्लसाब में वो अबू बकर अबूबकर सदी रदीअल्ला थे और ये बात तारीखुल खुलफान में है सयूती इम ने कहा है कि इस तरह तो ये जैसे आप सोचें कि जिसको नसब हसब का पता है और हिस्ट्री पता है हिस्टोरियन और अखबार जो है वो जीनियोलॉजी का पता है तो लोग इनसे रब्ता करते थे बात करते थे अच्छा लेकिन इनकी एक खास खूबी बताई गई कि ये जो है इन लम यकुन ये दूसरों के नसब पर ना ऐब जुई नहीं करते थे बुरा भला नहीं कहते थे वो वकर सदीक तो इनका अंदाज बड़ा खूबसूरत था बाज़ लोग होते हैं ना कि बुरा भला बहुत कहते रहते हैं तो ये अच्छे तरीके से बात करते थे लोगों को अच्छे तरीके से याद करते थे अच्छे तरीके से उनको चीजें आगे ट्रांसफर करते थे तो ये इनकी खूबी थी अच्छा इनको शायरी पसंद थी शेर कहते भी थे लेकिन जब इस्लाम कबूल किया तो फिर शायरी में इनकी दिलचस्पी कम हो गई और बाज कहते हैं कि छोड़ भी दी लेकिन शेर फहमी में इनको बड़ा कमाल हासिल था और इनकी इस्लाम कबूल करने से पहले भी ये शिरक नहीं करते थे आप सोचें तस्वर करें शिरक नहीं करते थे शिरक इनको नापसंद था नफरत थी कभी बुतों की पूजा नहीं की इनके बारे में आता है कि एक दफ़ा इनके वालिद अबू कहाफा जो थे इनको खाना काबा ले गए मस्जिद ले गए हरम ले गए और उनको जैसे हम अपने बच्चों को मसाजिद में लेके जाते हैं ना उनकी तालीम और तरबियत के लिए तो ये भी अपने बेटे को ले गए और बेटे को वहां पे हरम में बुतों के पास बिठा कर और खुद किसी काम से चले गए तो ये बुतों से बातें करने लगे इन्होंने कहा कहते हैं बस ये एक मौका था कि इन जाय फत ने कि मुझे भूख लगी है बुतों, बुत को कहने लगे मुझे खाना खिलाओ फलम युजिब नहीं उसने कोई जवाब नहीं दिया इन आर नहीं मुझे मैं नंगा हूं मुझे कपड़े दो फलम युजिब नहीं उसने कोई जवाब नहीं दिया कहते हैं कि मैंने कहा कि अच्छा मैं फिर तुम्हें अब मारने लगाऊ मैं पत्थर फेंकने लगाऊ तुम्हारी तो तरफ और अगर तुम वाकई खुदा हो कैसे खुदा हो कि मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं देते खाना नहीं देते कपड़ा नहीं देते और अब मैं मारने लगाऊ अगर वाकई खुदा हो तो अपनी हिफाजत करो तो फाल वज़ह ही तो मैंने उस पर पत्थर फेंका पत्थर जब मारा तो वो बुद्ध जो था वो नीचे गिर पड़ा तो वाले और फिर वालदा ये क्या किया इसने ये सब तो आ, यानि, आप जब ये वाक्य इनका सुनती हैं वकीर सदीक लदी का तो क्या याद आता है आपको कौन याद आता है कोई याद आता है हिस्ट्री में और कौन याद आता है बताए किसने और ऐसे बातें की थी बुतों के साथ अब वक़र सदीक रदी अबिर सदीक रदी याद आते हैं तो इनकी मुशाबियत अबू बकर अबू बकर्लाम से भी है इब्राहिम इस्लाम उन्होंने भी जो है वो ऐसे ही कहा था और वो सारा हज़रत सदीक़ रदी की रवायत कहती है, हैं तीन लोग ऐसे हैं जिन्होंने जमान जहली में ना कभी शिरक किया ना कभी शराब पी और उन तीन में कौन कौन है यानी वो फितरत पर थे दीने फितरत पर उनमें एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है दूसरा नाम वो बकरा का है और तीसरा नाम जो है उस्मान गनी रदी का है अच्छा अब हम आते हैं कि इनका पेशा क्या था ये करते क्या थे ये तिजारत करते थे कपड़े की तिजारत करते थे और जैसे जब थोड़े से बड़े हुए सत्रह अठारह साल तो इन्होंने तजारत में दिलचस्पी ली और डिफरेंट ममालिक में जाने जाते थे यमन इराक शाम और इनका अखलाक चूंकि बहुत अच्छा था ईमानत दयानत थी खुश मामला फहमी थी और उसूल पसंदी थी कारोबार में बिजनेस में फेर थे तो जल्द इनका जो कारोबार था ना बहुत चमकने लगा और ये मक्का के अमीर ताजरों में शुमार होने लगे पहले मक्का इनके अखलाक और किरदार के मोतरिफ थे कि इन पर एतम करते थे और ये जो थे उस जमाने की हर दिल अजीज शख्सियत जैसे मैंने कहा दस जो मशहूर सरदार थे इस्लाम कबूल करने से पहले भी बाद में भी ये उनमें शामिल होने लगे अच्छा अब ये के नबी सल अपने चचा अबू तालिब के साथ और इस तरह उन्होंने भी तजारत शुरू की थी याद है जा, सीरत में हम पढ़ चुके हैं तो इनका फिर मोहम्मद वसल्लम की अबू बकर सिद्दीक से दोस्ती भी थी हम उमर भी थे और जब मोहम्मद सल्लाम की शादी हजरत खदीजा रदी ना से हो जाती है तो मोहम्मद सल्लाम हजरत खदीजा के घर में मुंतकिल हो जाते हैं हजरत खदीजा रदील्ल का जो घर था जो इलाका था वो मक्का का अमीर इलाका था जैसे आप देखें अमेरिका में भी कैनेडा में भी न्यूयॉर्क टोरंटो या हर जगह ना कुछ इलाके होते हैं कि जहाँ के घर महंगे होते हैं जहाँ के स्कूल अच्छे होते हैं तो हजरत खदीजा जिस जगह पे रहती थी तो वो कैसा इलाका था कि वहां पे मक्का के सरदार रहते थे रईस और अमीर लोग रहते थे तो अब मोहम्मद वसल्लम भी वहां पर जब चले गए तो आप अबू बकर सिद्दीक भी वहीं रहते थे तो मोहम्मद सल्लाम और अबू बकर सदीक रद्दी तो में मिलने के मौके ज्यादा पैदा हो गए कि तिजारत की वजह से ही मुलाकात होती थी अब हम साए बन गए हो गई तो और फिर आपस में मुलाकात होने लगी तो इस तरह जो है वो अः नबी सलम के साथ मिलकर रहने का उनकी सोहबत से फायदा हासिल करने का इनको मौका मिला यानी आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे बहुत अच्छे दोस्त थे आदतें आपस में मिलती थीं, उनको भी से नफरत थी वो भी शराब नहीं पीते थे वो भी ताजिर थे वो भी इमानत दार थे उनको भी लोग इमानत जानत के नाम अमीन और सादिक के नाम से याद करते थे और इनका भी तो ये बेस्ट फ्रेंड एक तरह से बन गए आप सोचें तसवुर करें इस बात का। कुर्बत भी मिल गई सोबत भी मिल गई मत भी मिल गई और आपस में एक अच्छे दोस्त के तौर पर ये मशहूर हो गए तो आज का जो हमारा लेसन है हमने थोड़ा सा अबू बकरा के बारे में पढ़ा और अब इख्ताम का वक्त होने को है तीन चीजें बहुत अहम है अबू बकर सदीक रदी के बारे में और उनमें से एक बात यह है कि अबू बकर रदी अल्लाह जो थे अबूबकर उनकी नेचर कैसी थी नेचर ऑफ हिज पोजीशन एंड हिज स्टैंडिंग उनकी सोसाइटी के अंदर उनका रोल कैसा था तो आ, पहली चीज ये कि फितरत थे नेक थे तो ईमान ये फौरन लेकर आए हैं यानी उसमें हेजिटेशन कोई नहीं थी दूसरी चीज ये कि नबी वसल्लम के लिए ईमान लाने के फौरन बाद ये शील्ड बन गए शील्ड आपके इर्द गिर्द अच्छे जो मुसलमान थे परवाने उनका आपने एक झमगटा जमा कर दिया खुद तो शील्ड बने ही खुद तो तड़पे ही औरों को भी तड़पाया हक ने की है दोहरी दोहरी खिदमतें तेरे सपोर्ट, खुद सरापा नूर बन जाने से कब चलता है काम तुझको इस जुलमत कदे में नूर फैलाना भी है और तीसरी चीज सोसाइटी के अंदर माशरे के अंदर जो गरीब गुलाम थे जिनको मारा पीटा जा रहा था इन्होंने उसको जो है खरीद खरीद कर आजाद करना शुरू किया जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया इनके पास चालीस हजार दिरहम थे तारीख की किताबों में ये बात है चालीस हजार दिरहम और इन्होंने वो चालीस हजार दिरहम जो है वो गुलामों की आज़ादी और इस्लाम के दावा पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर जो थे वो डाल दिए और उनको खर्च किया अब यहाँ पे चंद एक सवाल है जो मेरे और आपके सामने हैं कि अबू बकर सदीक रदी अल्लाह उन्होंने इस्लाम क्यों कबूल किया वो तो ताजिर थे इज्जतदार थे मक्का की सोसाइटी में सरदार थे और बहुत ही अच्छी जिंदगी उनकी गुजर रही थी उन्हें दुनिया का कोई फायदा नहीं था यानी कोई गुलाम मिस्टीन ने अगर इस्लाम कबूल किया तो चलो आजादी मिल गई इन्हें तो दुनिया का कोई फ़ायदा नहीं था इनको अपनी पोजीशन ख़राब करने की क्या जरूरत थी कि जान भी खतरे में माल भी खतरे में इज्जत भी खतरे में तो आखिर इन्होंने इस्लाम क्यों कबूल किया दूसरी चीज़ ये जब इन्होंने कबूल किया तो इनका कबीला बहुत छोटा सा था कोई बड़ा कबीला नहीं था जो इनकी बैक पर होता और इन, इनकी अबू बकर की मदद करता तीसरा सवाल है कि खुद भी अबू हजरत उमर रदी हजरत हमजा रदी की तरह अजीमुल जुस्सा मजबूत नहीं थे कमजोर थे इनका जो बदन था नहीफुलजुस्सा था कमजोर थे उस तरह के नहीं थे सॉफ्ट स्पोकन थे ऊंची आवाज भी नहीं थी तनोमंद नहीं थे कवि नहीं थे कमजोर थे तो फिर इन्होंने जो है इस्लाम क्यों कबूल किया तो इस सिलसिले में जो सीरत निगार हैं, दो बातें कहते हैं एक चीज तो ये इन सारी बातों के बावजूद इनके दिल के अंदर कुछ था बेहद मजबूत और ईमान वाला दिल इनका दिल जो था ना उसके अंदर कोई चीज थी कि ये सिद्दीक बने और दूसरी चीज ये कि इनकी इस्लाम के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत मुखलिस थी मुखलिसाना थी इन्होंने नबी अलैहि वसल्लम की अतात और रफाक़त में अपनी जिंदगी जो थी उसको जो है वो वक्फ कर दिया जैसे एक ताबई हैं और किबार ताबईन में इनका नाम आता है बकर बिन अब्दुल्ला मुजनी वो कहते हैं मा फदला अबू बकरा अब वक्र सदीक रदी अलाना को बेस्ट नहीं बनाया उनको फजीलत नहीं दी बेकसरत सलातिन वाला बेकसरत सयामिन वेश बे वक्ल ही अब वक्र सदीक रदी अलाना को फजीलत जो इतनी मिली वो इनकी नमाजों की कसरत की वजह से नहीं थी वो इनके रोज़ों की कसरत की वजह से नहीं थी वाला किन कोई ऐसी चीज थी वक़ाराफी कल्ब ही जो उनके दिल के अंदर जड़ी भी थी गड़ी भी थी जो उनके दिल के अंदर जागुजीन थी का हुल ईमान और वो इनका ईमान था वाले का काना वसफा बलवा तस्मिया तबिस अलूम में ये इनके बारे में है ये इस वजह से क्योंकि इन्हें यकीन था कि इस्लाम अल्लाह की तरफ से है ये जो यकीन है ना आज इसकी कमी है मुझे और आपको ना यकीन नहीं है कुरान की आयत पर बिलावि प्रॉफिट की सुन्नत पर उनकी बातों पर अल्लाह के फैसलों पर इनका यकीन जो था ना इसीलिए अबू बकर सिद्दीक ईमान उम्मत मुस्लिम के मजमू ईमान पर भारी है बाद अंबिया बशर जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए तो ईमान दारुल ईमान तो आइए मैं और आप भी अपने ईमान का जायजा लें और इंशाल्लाह हमारा जो अगला लेक्चर है हम इंशाल्लाह उसको कबूल इस्लाम इनका जो है उससे इनशाला हम शुरू करेंगे कि इन्होंने यानी ये मैंने इस्लाम को कबूल करने से पहले के हालात जो है वो आपके सामने रखे हैं और यकीन जाने मैंने बहुत इसकी तैयारी की है बहुत तैयारी की है घंटों कई कई घंटों और कई कई दिनों यानी जिंदगी भर जो पढ़ा वो तो पढ़ा ही है लेकिन एक फिक्र एक लगन एक शौक एक तड़प आप कि आपके सामने एक मैसेज रखना है तो अच्छे से रखूं कुरान से हदीस से सीरत किताबे, की किताबें साहबा की जिंदगी या जो भी और यानी मैं यूं नहीं चाहती कि जस्ट एक हिस्ट्री हम सामने लाएं तो आज का हमारा जो लेसन है सब इससे हमने क्या सीखा हमारे लिए अमल की क्या बातें सामने आई कि पहली चीज ये कि मेरा नाम क्या है मेरा नाम क्या आप में से हर शख्स देखे कि मेरा नाम क्या है जैसे मेरा नाम नसरीन है ये भी एक फूल को कहते हैं तो फूलों की खुशबू होती है ना तो किरदार की भी तो एक खुशबू होती है ना तो आपका जो भी नाम है तो क्या आपका नाम आपके किरदार की नुमाइंदगी करता है ये मुझे और आपको सोचना है कि मेरा नाम क्या है दूसरी बात यह कि एक नाम तो वालदे ने रखा था दूसरा मे, मे, मेरे अंदर कौन सी ऐसी अच्छी चीजें हैं या आदतें हैं कि उसकी वजह से मेरा नाम जो है सोसाइटी ने मुझे दे दिया मेरे घर वालों ने दे दिया मसलन मैं सबर करती हूँ तो घर वाले कहते हैं कि ये मेरी बेटी बड़ी सबर करने वाली है ना अगर मैं नेकी के काम में आगे बढ़कर रहती हूँ तो कहते हैं कि भाई है ना ये जो यानी ये जो बंदा है ना ये ऐसा हो सकता है या बाज लोग शुक्रगुजार होते हैं तो उसको शाकिरा बाज लोग ऑलवेज मुश्किलात में भी स्माइलिंग फेस होते हैं ना? तो अब आपने अपना अपना सोचना है कि कौन सी आपकी ऐसी खूबी है जो आपका नाम बन सकती है आपके वाल यानी क्या मेरे मेरे अंदर दूसरी बुराइयां बहुत ज्यादा नुमाया हैं या अच्छे 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 अखलाक की नुमाया है नंबर वन नंबर दो जो बहुत अहम है और वो ये है कि अब वक़िर सिद्दीक और अवाह और अल, अलतवा और अतीक इनके बहुत से ये नाम थे तो मेरा और आपका नाम क्या है देखे बात ये नहीं है कि आप दार की स्टूडेंट है बात ये नहीं है कि आप नदवा की स्टूडेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी की है आपने और किसी बहुत मदीना यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की मैं नहीं आपने बात यह नहीं है बात यह है कि बहसीयत मुसलमान मेरा और आपका सोसाइटी में किरदार कैसा है मैं वॉक पे जाती हूँ तो इर्द गिर्द हेलो हाय गुड मॉर्निंग आप कैसे हैं मतलब एक एक सिटीजन के के शहरी मेरा अखलाक कैसा है मैं शॉपिंग पे जाती हूँ मैं जैसे तजारत करते थे यानी आप आप सोचें कि जो जमाने जहलीत में बेस्ट थे कोई ईमान लाने के बाद भी बेस्ट हुए तो मुझे आपको मुझे और आपको तारफ दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं टीचर हूं या मैं डिग्री या मेरे पास इतने सर्टिफिकेट है मैंने इतने इदारों से पढ़ा है मैंने इतने कोर्सेज किए हैं कुरान हदीस फला मुझे बताने की जरूरत नहीं मेरा किरदार बोलना चाहिए तो हमें अबू बकर बोलता हुआ महसूस होता है उनका किरदार बोलता है किरदार बोलता है उनके वालदे ने उनकी तरबियत पर बहुत तो। खसूसी तोज्जो दी वो इसलहे का इस्तेमाल भी जानते थे असलह का आप सोचें मैंने मैं सोच रही थी कि वाल तो गए लेकर बुतों की पूजा सिखाने और वो बुत को तोड़कर आ गए क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बुत मेरे खुदा नहीं हो सकते जैसे इब्राहिम ने कहा था तो मुझे और आपको भी अगर बच्चे कहते हैं कि हमारे वालदे हमें मगरिब की दुनिया में ले आए मैं और आप यहाँ पे आ गए तो हक और बातिल में हलाल और हराम में अच्छाई और बुराई में हमें तमीज खुद भी पैदा करनी और अपने बच्चों को भी देनी है जैसे अच्छी यानी अच्छा गलत सही और गलत की तमीज़ सही और गलत की पहचान हक और बातिल की पहचान तो आज का जो हमारा सबक है ये मुकम्मल होता है टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है तो इसके साथ जो है आ, मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ तो अल्लाह इज़्ज़त मुझे भी और आपको भी हुस्ने अमल की तोफ़ी अता करे और हजरत अबू बकर सिद्दीक का आज का जो मैंने उन्वान दिया था वफ़ादार दोस्त का दिया था और दोस्ती कैसे हुई एक दोस्त दूसरे दोस्त के ईमान पर होता है ना हदीस है ना देखे अबू बकर सिद्दीक़ रदी और मोहम्मद अलैहि वसल्लम की आदतें कितनी मिलती थी ना कैसे उनकी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि फिर वो सिद्दीक का टाइटल मिला कि अगर मेरा दोस्त यानी वो दोस्त के अंदर बाहर से इतनी अच्छी तरह वाकिफ थे कि अगर मेरा दोस्त कहता है कि उस पर वही उतरती है तो कहा कि हाँ फिर ये सच ही कहता है मैं इसकी तस्दीक करता हूँ अहले मक्का मुंह देखते रह गए कल इंशाल्लाह हम ऐसे सारे वाकत को देखेंगे कि कैसे अबू बकर कल नहीं इंशाल्लाह यानी अगली क्लास में जो जो मेरे रात को होगी तो इंशाल्लाह जो कुछ लिखा था उसमें से कुछ कुछ चीजें अभी भी नजर आ रही है जो रह गई है

اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم اخزل من خزل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته